मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी के दिन भड़की हिंसा के बाद लगाया गया कर्फ्यू आज यानी गुरुवार को पांचवें दिन भी जारी है। वहीं आज से कर्फ्यू में कुछ ढील दी गई है, जिसमें महिलाओं को 2 घंटे की छूट मिली है, जिससे वे जरूरी सामान जैसे दूध, सब्जी, मेडिकल और राशन की खरीदारी कर सके। कर्फ्यू के दौरान सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं चालू है। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। वहीं लोग दहशत में हैं और प्रशासन लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिला रहा है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिंसा के सिलसिले में अब तक 121 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव और आगजनी की घटनाओं के बाद रविवार शाम को खरगोन शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। खरगोन के जिलाधिकारी पी अनुग्रह ने पत्रकारों से कहा था कि स्थिति नियंत्रण में है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रविवार से हिंसक घटनाओं में प्रदेश सरकार ने आगामी त्योहारों के लिए सभी जिलों में अधिकारियों को अलर्ट जारी किया है। बता दें कि खरगोन में रामनवमी के दिन निकल रहे जुलूस में डीजे बजाए जाने को लेकर हुए विवाद के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी और जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े तो पेट्रोल पंप का भी भरपूर उपयोग किया गया। कई घरों और दुकानों में भी आग लगा दी गई। हालात बिगड़े तो कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अब तक लगभग 121 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं दंगाइयों की संपत्ति को भी बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर 4 भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, 15 डीएसपी सहित आरएएफ की कंपनी और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं इस मामले में जमकर राजनीति भी हो रही है। पुलिस ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज कर लिया है और उन पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगा है। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट शेयर किया था, जिसे लेकर पूर्व सीएम पर आईपीसी की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। ओवैसी ने दंगाइयों पर हुई कार्रवाई को लेकर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि ये स्पष्ट रूप से एक राज्य की मिलीभगत हिंसा है। मध्य प्रदेश सरकार ने किस कानून के तहत मुस्लिम समुदाय के घरों को ध्वस्त कर दिया है? मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, गुजरात में आनंद हिम्मत नगर कंभाट में जो कुछ हुआ, कर्नाटक में जो कुछ हुआ, गोवा में जो कुछ हुआ, वहां की सरकारों की रजामंदी से ये स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हो रहा है। और टारगेट पे कौन है, कौन उस प्रोसेशन का परमिशन देता है? सरकार देती है। तो सरकार जब देती है तो सरकार कैसे वायलेंस होने देती है वहां पर? और फिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में घर जलाए जाते हैं, दुकानें जलाई जाती हैं और मध्य प्रदेश घर तोड़ते हैं। किस बुनियाद पे घर तोड़ेंगे भैया? आप कौन से कानून तहत तोड़ रहे हैं? आप बताओ, कानून बताओ उनको। जिसके जवाब में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि मध्य प्रदेश में पूरी तरह से कानून का पालन किया जा रहा है, यहाँ ओवैसी के सुझाव की जरूरत नहीं है। हम जो कुछ कर रहे हैं कानून के दायरे में रखे कर रहे, कानून का पालन किया जा रहा है, ओबीसी जी की सलाह की इसमें आवश्यकता नहीं है। बता दें कि स्थिति अब थोड़ा नियंत्रण में है, लेकिन कोई अप्रिय घटना ना हो इसे लेकर अभी भी कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन थोड़ी रियायत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।